नवाज शरीफ फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में भी मुल्जिम करार। साबिक वजीर आजम पर गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म आए, समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी का शेड्यूल तब्दील, 23 अक्टूबर को PIA की परवाज 758 से लाहौर के लिए रवाना होंगे। अफगान इलाके गौसगढ़ी में ड्रोन हमला, 12 अफराद हलाक, शिदत पसंदों के 6 ठिकाने तबाह हो गए, ड्रोन्स ने 6 मिसाइल दाखिल। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की मस्तोंग रोझान में कार्रवाइयां, 1 दहशतगर्द हलाक, 5 गिरफ्तार, CTD ने कराची से MQM लंदन का मुल्जिम धर लिया, असलहा बरामद। पंजाब के मसीहाओं की बेहिसी का एक और वाकया, रायवन के बाद गंगाराम अस्पताल के बाहर भी खातून ने बच्चे को जन्म दे दिया। आज न्यूज की खबर पर वजीर आला पंजाब का एक्शन, डायरेक्टर इमरजेंसी गंगाराम अस्पताल मुअत्तल। शेखुपुरा में डॉक्टर की संगीन गलती, बच्चे के अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने के बजाय खुराक की नाली काटी, तालिबा की हालत गैर, शिकावाकीन को धमकियां। मार्च से पहले चोरों का मार्च निकलवाएंगे, LNG करप्शन साबित ना कर सका तो सियासत छोड़ दूंगा, शेख रशीद का रावलपिंडी में जलसे से खिताब। शेख रशीद ताकतवर के पांव पकड़कर इख्तदार में रहना चाहते हैं, साद रफीक का रद्दअमल। और तहकीकात हुई ना वजाहत का मौका मिला, पाकिस्तान विमेन हॉकी टीम का निराला दस्तूर, कोच पर जमात लगाने वाले खिलाड़ियों पर तहयात पाबंदी का फैसला, इल्जाम लगाने वाली सईदा सादिया और इकरा जावेद विमेन हॉकी चैलेंज कप के स्क्वाड से ड्रॉप।